हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। जिन लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर चलते हैं व्लॉग की तरफ। आज के इस व्लॉग में मैं जा रही हूँ बिरयानी पकाने। वैसे तो मैं 3 या 4 तरीके से बिरयानी पकाती हूँ, बट उसमें से सबसे ईजीएस्ट वे जो है, जिस मेथड से पकाती हूँ, मुझे यही वाला लगता है। और ये मेरी एक कज़न है अलीना, जिसने मुझे सिखाया था। एक दफ़ा वो पका रही थी हमारे घर में, तो मैं भी देख रही थी और उसी से मैंने सीखा है। सो थैंक यू अलीना। सबसे पहले मैंने ऑयल डाल दिया था और ऑयल थोड़ा सा गर्म होने के बाद सारे अनियन डाल दिए थे मैंने। अनियन को इक्वली बिल्कुल सेम साइज़ के ही सारे काटे थे, मोटा पतला नहीं, क्योंकि सब इक्वली अच्छे से फ्राई हो जाए इसलिए। तो यहाँ पर अभी प्याज फ्राई हो रहा है। और ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा रंग पकड़ने लगा है प्याज। और जैसे ही यहाँ पे प्याज का कलर गोल्डन और ब्राउन होने लग गया था, तो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसी पॉइंट पे ऐड कर दिया। और यहाँ पर जैस्मीन किचन में आते वक्त बोल रही थी कि क्या खुशबू आ रही है अमाई, इसको बिरयानी बहुत पसंद है वैसे। और जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करके थोड़ा सा चमचा चला के उसके बाद मैंने सारा चिकन इसमें ऐड कर लिया। 2 kg चिकन है ये। चिकन को अच्छे से हम 2-3 मिनट तक थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ऑयल में, ताकि उसमें जो कच्चापन की स्मेल होती है ना, वो भी हट जाती है थोड़ा फ्राई करने से। और इसके साथ साथ जब फ्राई करते हैं तो थोड़ा टेस्ट में भी अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैंने टमेटो ऐड कर लिया था। इसी पॉइंट पे सारे मसाले और नमक सब हम ऐड कर सकते हैं। जो घर का बनाया हुआ मसाला बनाते हैं बिरयानी के लिए, वो भी आप ऐड कर सकते हैं, बट इस रेसिपी में मैं रेडीमेड मसाला यूज़ कर रही हूँ, शान का बॉम्बे बिरयानी मसाला। और क्योंकि 2 किलो है, तो फिर उस हिसाब से हमें थोड़ा तीखा पसंद है, तो मैं 2 पैकेट ऐड कर रही हूँ मसालों का। और जितना आपको तीखा चाहिए उस हिसाब से आप हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी 2 पैकेट्स मसाले डाल दिए हैं, तो इसलिए मैं बहुत कम ही हरी मिर्च डाल रही हूँ। 3 हरी मिर्च डाली है। और नमक और मसाला सब डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मैंने 2 कप पानी भी इसमें डाला है, वो भी ऐड करने के बाद इसको ढक के रख देंगे। मैंने तकरीबन 15 मिनट तक रखा था उसको, ताकि गोश्त नरम हो जाए। और यहाँ पे 15 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन हटा के देखा, चेक कर रही थी कि कितना नरम हुआ है, तो तकरीबन 80% पक चुका था। और यहाँ पर मैंने दही भी ऐड कर लिया था इसी पॉइंट पे। और दही ऐड करने के बाद मैंने एक और दफ़ा इसको थोड़ा सा मिक्स किया और वापस ढक्कन बंद करके इसको मैंने और 12-13 मिनट्स रख दिए थे, और ये तकरीबन पक चुका था। और उस दिन आरो भी हमारे घर आई थी जैस्मीन और हिजरान के साथ खेलने के लिए, तो मैंने थोड़ी सी इनकी भी रिकॉर्डिंग कर दी।
सो सालन पक चुका था, उसके बाद मैं यहाँ पर रायते की तैयारी कर रही हूँ। तो बिरयानी के साथ मैं जो रायता बनाती हूँ दो टाइप्स के बनाती हूँ। कभी कभी सिंपल बिल्कुल प्याज नमक ठंडा पानी और दही डालती हूँ, और समटाइम्स खीरा और मिंट भी ऐड कर लेती हूँ। तो आज मैंने ये खीरा और मिंट के जो लीव्स होते हैं वो, और प्याज पतला पतला काट के, नमक ठंडा पानी सबको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो आज मैंने ये वाला रायता बनाया है। और यहाँ पर रायता बन चुका है, तो इसको मैंने बनाकर साइड पे रख दिया था। और यहाँ पर अब चावल बनाने की तैयारी हो रही है, तो मैंने बहुत सारा पानी भर दिया था क्योंकि बॉईल करने वाले हैं हम चावल को। और यहाँ पर पानी में उबाल आ गया था। उबाल आने के बाद मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था पानी में ताकि चावल चिपके चिपके से ना आए। तो यहाँ पर मैंने सारे चावल भी ऐड कर लिए हैं। और यहाँ पर मैं चावल का पकने का वेट कर रही थी, तो इतने में मैं चाह रही थी आपको दोबारा सालन का शक्ल दिखा दूँ। वैसे जब भी मैं कोरमा बनाती हूँ ना, मुझे ख़ुद को दो तीन दफ़ा देखना अच्छा लगता है उसका ग्रेवी वाला। और यहाँ पर ये सारा दम करने के लिए जो तैयारियाँ की है वो सब सामान रखा है। क्या कर रहे हो? एंड देन यहाँ पर हमने लेयर बनाना स्टार्ट कर दिया था। डैडी भी आ गए थे किचन में मुझे हेल्प कराने के लिए। अक्सर मैं जब खाना पकाती हूँ कभी कभी तो डैडी आ जाते हैं कुछ पूछने के लिए कि हेल्प चाहिए या मैं कुछ कर दूँ। और मैंने मम्मी से ज़्यादा डैडी से खाना पकाना सिखा है। मेरे डैडी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, बहुत यमी खाना बनाते हैं। हम सबको डैडी का हाथ का खाना बहुत पसंद है। और मुझे 1.5 साल या 2 साल ही हुए हैं कि मैं खाना पकाना या सीखना स्टार्ट किया है। उससे पहले मैं बिल्कुल नहीं पकाती थी। जब मेरी बात पक्की हो गई थी तो उसके बाद ही मैंने खाना पकाना ये सब कुछ सीखना स्टार्ट किया है। और स्पेशली जो मेरा इंटरेस्ट था या मेरे एफ़र्ट्स थे वो सब ख़ास मेरे फ़ादर इन लॉ और मदर इन लॉ के लिए ही थे, कि मैं उनको पका के टेस्ट करना चाह रही थी, उनको पका खिलाना चाह रही थी। और वो लोग भी मुझे हमेशा अक्सर अच्छा ही फीडबैक देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो मुझे भी खुशी होती है। और समटाइम्स मम्मी डैडी या घर वाले मेरे मजाक भी करते हैं कि तूने हमें तो इतना नहीं खिलाया है आज तक पका के, लेकिन अपने इन लॉज को तो बड़ा पका पका के खिलाती रहती है। भले थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन जितना मैंने पकाया है वो ख़ास मेरे एफ़र्ट्स मम्मी डैडी के लिए ही है, मतलब मेरे इन लॉज के लिए ही है। और यहाँ पर लेयरिंग हो चुकी थी, तो यहाँ पर 2-3 चम्मच मैं घी डाल रही हूँ, ऐड कर रही हूँ देसी घी, इससे थोड़ा टेस्ट अच्छा लगता है। और इसके बाद मैंने थोड़ा सा कलर डाल दिया है बिरयानी को, रंग देने के लिए, कलर देने के लिए। और चावल को दम पे रखने से पहले ये एक और लास्ट लेयर हम ऐड कर लेते हैं, डाल देते हैं। एक टोमेटो, एक अनियन, एक लेमन और 4-5 हरी मिर्चें और कुछ मिंट के पत्ते, ये सब हम ऊपर एक लेयर बना देते हैं। ये फाइनल लेयर होता है नॉर्मली, बट इस दिन ग्रेवी बहुत ज़्यादा बन गई थी और बच भी चुकी थी, तो डैडी सजेस्ट कर रहे थे कि इसको भी डाल दें क्योंकि फिर वो अकेले में खाया नहीं जाएगा क्योंकि उसमें बहुत मसाला है, बहुत ज़्यादा नमक हो जाता है। तो मैंने सिर्फ इस दिन के लिए, क्योंकि ग्रेवी ज़्यादा बच चुका था, तो इसलिए मैंने एंड में वो सारा ग्रेवी जो बच चुका था वो भी मैंने ऐड कर लिया। एंड यहाँ पर फॉइल लगा के दम करने के लिए रख दिया था। और यहाँ पर बिरयानी बिल्कुल रेडी थी और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी
इतना गरम गरम धुआं निकल रहा है, आप देखिए शक्ल से तो थोड़ा अच्छा ही लग रहा है, ठीक है, और बट टेस्ट में भी डैडी मम्मी चाचा बच्चे सब कह रहे थे कि अच्छा ही लग रहा था, उनको अच्छा लगा था। तो ये मेरी रेसिपी थी सिंपलेस्ट, सबसे सादा सिंपल रेसिपी जो मेरी कज़न ने मुझे सिखाई थी, और मैं तकरीबन इस तरीके से ज़्यादा पकाती हूँ जब पकाती हूँ, और रायते के साथ इतना यमी लगता है, इतना अच्छा लगता है। आप लोग भी इसको ट्राई करिए। थोड़ा फीडबैक दे दो बच्चों। टेस्टी है, अच्छा है, मजे बने, मेरे गोश्त पूरा को पूरा ही खा लो। हां तो हां खाओ खाओ, तुम लोग खाओ, किसी दिन वापस बना, पहले समाप्त करें फिर विश्वास करें। अच्छा सो बस आज के लिए सिर्फ इतना, उम्मीद करती हूँ आपको ये बिरयानी की रेसिपी अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।